काम कुछ ऐसे करो कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए। सैलियड न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं शिवम मायन, मेरे साथ है कैमरा पर्सन राजीव मोनू जी। और आज हम जिस जगह पर आए हुए हैं किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इनका नाम ना सिर्फ लुधियाना शहर में बल्कि पूरे पंजाब में और ऑल ओवर इंडिया में इनका नाम स्थापित है। आज हम आए हुए हैं रेज वालों के पास और मेरे साथ बैठे हैं इनके ऑनर मिस्टर आकाश बंसल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर आपने जो रेज का इतना नाम बनाया, आज आपको सिर्फ जो लोग लुधियाना में नहीं बल्कि पंजाब में नहीं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में और बाहर भी लोग आपको जानते हैं। सर आपने जो रेज का इतना बड़ा नाम है, कैसे इसको एस्टेब्लिश किया, इसके पीछे की सक्सेस स्टोरी क्या है सर, प्लीज़। देखिए आई वॉज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है ना। तो मैं तो अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था बैंगलोर में, तो मैं तो यहाँ पर इट वॉज़ वेरी अनप्लान्ड। तो वापस आया, पापा करते थे, तो वहाँ पे फैक्ट्री जाके आई सडनली रियलाइज दैट आई हैव सम पैशन फॉर निटवेयर जी। तो हमने सोचा कि अगर करना ही है तो प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर उसके साथ किया जाए। सो मैं जर्मनी गया 2 साल के लिए जी। तो जर्मनी में देन आई जॉइन द निटिंग स्कूल फॉर स्टॉल जी। तो स्टॉल निटिंग मशीन्स बनाता है, तो उनका वहाँ पे निटिंग स्कूल है। तो टू ईयर्स मैंने वहाँ पे लगाए जी जी। वहाँ पे फिर वापस आके 95 आई एस्टैब्लिश्ड रेज जी सर। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन द बिगनिंग बिकॉज बड़े एग्जिस्टिंग बड़े बड़े ब्रांड थे। तो एक नए ब्रांड को एंट्री बहुत मुश्किल से, मतलब इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ। बट वही, अगर इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग और आप कर रहे हो तो आप उस उतनी पैशन से अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको सक्सेस कभी ना कभी मिल ही जाती है। सो इनिशियली फर्स्ट 6 months वर वेरी डिफिकल्ट, बट देन वंस वी स्टार्टेड देन अब 95 से अब तक वही कर रहे हैं जी लगे हुए हैं जी सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो ब्रांड है रेज सर, ऐसी क्या खासियत है इसकी, ऐसी क्या क्वालिटी है या ऐसी क्या प्रोडक्ट की आप जो फिनिशिंग होती है कि जो आपका प्रोडक्ट है इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, और आप किस सोच से जो अपना रेज का प्रोडक्ट बनाते हो उसकी सोच के पीछे की कहानी क्या होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर इंडिया में जो लोग हैं बहुत पसंद करते हैं जी सर। देखिए सारे लुधियाना इज़ अ बिग सिटी फॉर निटवेयर, तो सब कुछ कर रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट हियर, सब कुछ सारे कुछ ही कर रहे हैं। तो हम तो खुद सीख रहे हैं अभी तक जी। हमें तो 25 साल हो गए हमें तो ये करते हुए, एंड एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग। तो एक क्लास चढ़ रहे हैं, क्लास चढ़ी जा रहे हैं और ये क्लासेस कभी ख़त्म नहीं होनी ये चलती रहनी है। तो दी ओनली थिंग आई थिंक फॉर सक्सेस इज़ एक तो आपको यू हैव टू बी वेरी पैशनेट। तो वही 3 इडियट्स वाला डायलॉग जो है ना कि आप सक्सेस के पीछे मत दौड़ो, बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू तो सक्सेस विल फॉलो यू। तो वो हम शुरू से थोड़ा सा ये है कि वाई वी स्टैंड आउट इज़ कि थोड़ा सा हम पंगे ज़्यादा लेते हैं, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं जी, जी। तो उसमें हम लॉस भी बहुत पाते हैं, तो मिस भी बहुत होती हैं चीज़ें, हिट भी होती हैं मिस भी होती हैं, बट अपने लिए कर रहे हैं जी। अपने शौक के लिए कर रहे हैं, एंड नॉट वी आर नॉट टू कमर्शियल अ फैक्ट्री इन द सेंस कि वी लाइक टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बिकॉज जिंदगी इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी, इट इज़ अबाउट लिविंग द वे यू वॉन्ट टू लिव। तो वो हम है, हमारे हिट्स भी होती हैं मिसेज भी होती हैं जी। कई बार हिट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो वो साल अच्छा लग जाता है, कई बार मिसेज ज़्यादा हो जाती हैं तो वो साल खराब हो जाता है। सो लगे हुए हैं, कर ही जा रहे हैं। सो आई होप दिस ईयर इज मोर हिट्स देन मोर मिसेज। So that is all. I think we are very, very passionate about what we do and we like to experiment. And that is why we probably stand out from the rest of the crowd. Very good, sir. कहते हैं ना कि इनोवेशन एंड जो चैलेंजेस होते हैं वो आदमी को एक परफेक्ट लेवल पर पहुंचा ही देते हैं।
हार्ड वर्क कोई भी फील्ड हो स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, लेकिन अगर जैसे कि इनकी बातों से हमें पता लगा कि अगर आप पैशनेट अबाउट वर्क हो, हार्ड वर्किंग अबाउट प्रोडक्ट हो, अपना जो काम कर रहे हो, तो आपको जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी, इनकी बातों से पता चलता है। और रेज का जो नाम बना है आज, जो ये हार्ड वर्क किया इन्होंने, जो इनोवेशन जो और जो चैलेंजेस ये फेस करते हैं उसकी वजह से ही जो रेज का नाम है आज बहुत दूर दूर तक है। सर आपका ब्रांड इतना बड़ा है, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसे अच्छे वाले टिप्स हो कि जो उनकी बिजनेस ग्रोथ है वो तेज़ हो सके, या फिर जो उनकी जो प्लानिंग या फिर जो माइंड होता है कि हमने बिजनेस को किस वे से, कुछ किस स्ट्रेटजी से आगे लेके जाना है, तो उसमें अगर आप कुछ टिप्स बताना चाहें, कुछ प्लान आउट बताना चाहें। जी सर, देखिए आई फील लुधियाना में वाई लुधियाना इज सक्सेसफुल एज अ स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, बिकॉज यहाँ पे ना ये हर एक बिजनेस में दो चीज़ों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो है कमर्शियल एस्पेक्ट कि आपका बिजनेस आपके लिए पैसे बना के दे रहे हैं, दूसरा है आपकी पैशन विद व्हाट पैशन यू, बिकॉज दिस इज़ अ फैशन प्रोडक्ट राइट, तो इसमें आप ये कोई साइक्लो स्टाइल चीज़ नहीं है कि आप बनाते रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको पैशन आपकी मरनी नहीं चाहिए, यू हैव टू बी पैशनेट, और वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो नॉर्मली देखते हैं कि एक जैसे सन है, ही इज़ प्रॉब्ली डूइंग द डिज़ाइन वर्क, फादर इज़ लुकिंग आफ्टर द बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, तो दैट इज़ वाई आई थिंक लुधियाना हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल, बिकॉज ये दिस इज़ मोर अबाउट डेवलपमेंट, दिस इज़ मोर अबाउट फैशन। तो आपको अगर नए एंटरप्रेन्योर्स को इसमें करना है तो आप ये बात सोच लो कि इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब 25 साल हो गए हैं मुझे और अभी तक मुझे ऐसे लगता है मुझे कुछ नहीं आता, और एवरी ईयर इज़ अ न्यू क्लास, मतलब केजी से स्टार्ट हो गई ये क्लास कभी ख़त्म नहीं होती, जब तक आप लगे रहोगे काम में करते रहोगे तो तब तक क्लासेस चढ़ते ही रहोगे। अगर आप ये किसी दिन सोच के बैठ जाओगे कि आप ग्रेजुएट हो गए हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो साल से आपकी डाउनफॉल शुरू है। तो मैं तो 25 साल हो गए हैं, तो ये मुझे तो यही लगता है कि भाई एवरी ईयर इज़ अ न्यू एग्ज़ाम एवरी ईयर, सो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट यू डू, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, बट इफ़ यू आर पैशनेट एंड यू आर हार्ड वर्किंग एंड देन आई थिंक देर इज़ नो लुकिंग बैक, देन यू कैन मेक इट इन वॉट एवर यू चूज टू डू। जी सर, इनकी बातों से ना सिर्फ मेरे दिमाग में जो शायरी आती है सर आपके लिए ही, और अब जैसे कि आपकी बातें हैं उस पर ही बनती है कि चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, आपकी बातों से ये चीज़ें जो है ना वो जाहिर हो रही हैं। सर मैं अंत में चाहूँगा कि आप हमारी सैलेड की जो हौजरी गाइड आ रही है, हमारा न्यूज़पेपर है, हमारा न्यूज़ चैनल भी है सैलेड के नाम से, और हमारे सैलेड के MD MP सिंह जी के लिए अपने बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग दें। जी आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर वेंडर्स बायर्स एंड सेलर्स कैन कम टुगेदर, तो ऐसी चीज़ एक चाहिए, तो आई विश MP सिंह जी ऑल द बेस्ट एंड ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज दिस इज़ समथिंग द कंट्री रिक्वायर्स एंड वी नीड टू कम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड मेक इन इंडिया जिंदाबाद एंड लेट्स फॉरगेट प्रोक्योरिंग चाइनीज गुड्स। ठीक है, मैं तो यही कहता हूँ कि सबको सपोर्ट करो, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट एवरीबडी डज, एंड देखो शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली आपको यू नो यू आर कमर्शली आपको लगता है कि यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम चाइना एंड ऑल दैट, बट आई थिंक थोड़ा सा नेशनलिस्ट होना चाहिए हम सबको एंड वी शुड सपोर्ट ईच अदर इन वॉट एवर वी डू, तो अगर करेंगे ही नहीं तो सीखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो परफेक्शन नहीं आएगी। तो ठीक है, अब सब कहते हैं जी चाइना जो करता है हम नहीं कर पाते, बट अगर शुरू तो कहीं करना पड़ेगा ना, तो शुरुआत करें एंड लेट्स बीट चाइना एट इट्स ओन गेम, तो मैं तो यही कहता हूँ। कहते हैं ना फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इनकी बातों से भी ये चीज़ जाहिर हुई है। सर हम पूरी सैलेड की न्यूज़ टीम की ओर से आपकी रेज के लिए और आपकी प्रगति के लिए दिल से कामना करते हैं कि आपका नाम जो इतना बड़ा है और भी बड़ा बने। सर आप सभी देख रहे थे सैलेड न्यूज़ चैनल, हम इस समय रेज पे मेरे साथ बैठे हैं इनके ऑनर मिस्टर आकाश बंसल जी, आप सभी का हमको देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।